गुजरात के अरवली से बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बांग्लादेश में लगातार चल रही सियासी उठापटक के बीच अरवली से बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। बायड़ के रमोस गांव की महिला के संपर्क में आने के बाद यह युवक 16 दिन से महिला के घर पर ही रह रहा था, जिसे वात्रक पेट्रोल पंप निकट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिना वीजा के यह युवक भारत में कैसे आया, उसकी जांच की जा रही है। 11 तारीख के रोज जब हमारी एसओजी की टीम रूटीन पेट्रोलिंग कर रही थी बायड़ में, जब हमारे खानगी बातमीदार से ये बातमी मिली कि वात्रक के पास जो पेट्रोल पंप है, वहाँ कोई शंकास्पद आदमी चेक्स टी शर्ट में घूम रहा है। और ये बातमी मिलते ही एसओजी की टीम लेड बाय एसओजी पीएसआई जीआर चौधरी वहाँ पहुँचे, और उस आदमी से जब पूछपरछ की गई तो इन जो प्रिलिमिनरी जो प्राइमा फेसी हमें पता चला कि ये जो आदमी था, जिसका नाम है बशीर अहमद अब्दुल, ये रहने वाला है बांग्लादेश का नागरिक है, एवं सुल्ताना बानू करकर एक जो रमोस गांव की रहने वाली जो एक महिला है, उसके टच में आकर उससे जान पहचान होने के कारण वो यहाँ आया था और उसी के साथ उसके घर में रह रहा था। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पूरा जो रूट है वो बैक ट्रैक कर रहे हैं हम, जो लैंड रूट है उसकी भी हम पूछपरछ जो अक्यूज्ड है उसके साथ कर रहे हैं। चूँकि ये मैटर नेशनल सिक्योरिटी का है एवं ये बांग्लादेश का नागरिक है और इसके पास अभी कोई वैलिड वीज़ा नहीं है इंडिया का, इसीलिए जो नेशनल एजेंसीज हैं, 14 नेशनल एजेंसीज़ को जान कर दी गई है, और उनके आने के बाद जो जॉइंट इंटरोगेशन होगा उसके बाद ही और इसमें कुछ पता चलता है।